गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन आज टोला बिरसा मुंडा। बच्चों ये एक जीवनी है, आज हम अपने इस क्लास में बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जीवनी यानी कि जीवन के बारे में। बच्चों हम इस पाठ को समझाने के लिए इस पाठ में जो मुख्य बिंदु उनको मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ सके। पाठ और पाठ का सारांश, पाठ संबंध कुछ कठिन शब्द जो इस पाठ में आए हुए हैं। तो बच्चों आइए हम लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला पॉइंट है बिरसा मुंडा का परिचय। सबसे पहले बच्चों हम बिरसा मुंडा के परिचय मैंने कि उनका जीवन के बारे में जान लें, वे कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के एक आदिवासी थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। बिरसा मुंडा अपने पिताजी से बचपन में ही तीर तलवार और दूसरे हथियार चलाना सीख लिए थे। वो उनको चलाने में बहुत ही अभ्यस्त हो गए थे। उनकी पढ़ाई उनकी मौसी के गांव में हुई थी। उनकी मौसी उनको बकरी चलाने का काम दी थी। लेकिन जब बिरसा पढ़ाई करने लगते थे उनका अभ्यास जो है वो जमीन पर लिख कर किया करते थे। जब वो उसका अभ्यास करने लगते थे पढ़ाई का तो वो उसी में खो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो बकरी चरा रहे थे और जब बकरियां चरने लगे उसके बाद वो पढ़ाई करने लगे और उसका अभ्यास करते करते वो इतना खो गए कि उनको ये नहीं पता चला कि कोई भेड़िया आकर उनकी बकरी को लेके चला गया। जब बाद में उनको ये पता चला कि भेड़िया उनकी बकरी को लेके चले गए तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और वो डर भी रहे थे कि अगर अब हम घर जाएंगे तो मौसी मुझे बहुत डांटेगी। इसके बाद उनकी मौसी ने बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने क्या किया, उनको अपने घर से निकाल दिया। वे अपने बड़े भाई के पास रहने चले। दूसरा, बिरसा मुंडा का नौकरी करना। बिरसा मुंडा अपने बड़े भाई के पास रहने चले गए। वहीं पर एक उसी गांव में एक धनी ब्राह्मण आनंद पांडे रहते थे। उनके यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली। बिरसा भी उनका मन लगाकर सेवा करता और आनंद पांडे भी उनको इतना इतने देते प्यार देते। बिरसा मुंडा वहीं पर पढ़ाई भी करने लगे। तीसरा पॉइंट है नौजवान नेता के रूप में उभरना। बिरसा मुंडा नौजवान नेता के रूप में 1894 में उभरे थे। उन्होंने जितने भी मुंडाओं थे और जितने भी आदिवासी लोग उनको एकत्र करके लगान माफी के लिए आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप उनको 1895 में जेल में भी जाना पड़ा था। वो आदिवासियों को एकत्र करके उनको उनके अंदर जागृति लाने का प्रयास किया था। और चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान। बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो धीरे धीरे सब आदिवासी को इकट्ठा करे और उनका एक दल बना लिया। उनको उन्होंने तीर तलवार चलाना भी सिखा दिया था। अंग्रेजों भी उनके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने जमकर लड़ाई की और उन्होंने ये ठान लिया था कि मैं अंग्रेजों को जो है अपने देश से निकाल कर रहूंगा। एक और वो बहुत जब उन्होंने ये देखा कि अब मैं उनसे लड़ाई नहीं कर पाऊंगा तो वो अपने पत्नी समेत और बच्चों समेत जंगल में जाकर रहने लगे थे। किसी ने उनको खबर दे दी, अंग्रेजों को खबर दे दी कि बिरसा मुंडा यहाँ पर छुपा हुआ है, तो अंग्रेज आकर वहां से उनको पकड़ कर लेके जेल में बंद कर दिया। उनके जेल में जाने पर छोटे नागपुर में तहलका मच गया। 9 जून 1900 में रांची की जेल में बिरसा मुंडा खून की उल्टी करते हुए मर गए थे। आज भी आदिवासी लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह याद करते हैं। यहाँ से उनका नाम बिरसा मुंडा के नाम से जीवित रहेगा। तो बच्चों मैंने इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आपको पाठ समझा दिया, आपको भी ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, पाठ के सारांश को भी पढ़ लेते हैं। पाठ का सारांश, इस पाठ में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जीवनी है। अलग राज्य बनने से पहले झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था। वर्तमान में झारखंड की राजधानी रांची है। तो बच्चों ये था इस पाठ का सारांश। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, पाठ में आए कुछ कठिन शब्द उनको भी हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। कठिन शब्द अत्यंत, अत्यंत का अर्थ होता है बहुत अधिक। अभ्यास बार बार करना। हक्का बक्का यानी कि हैरान। संपत्ति जायदाद। प्रयास कोशिश। तहलका शोर। सदैव सदा। तो बच्चों ये थे इस पाठ के कुछ कठिन शब्द। बच्चों ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पाठ में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।